दामाजी 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 कहाँ चले गए थे आप लोग? क्या हमारी सोच सोच करके सबकी जान निकली जा रही थी। अरे बिटिया रानी, जान निकल गई थी हम लोगों की। अब आप आ गए ना, अब चलिए मेरे साथ, मैं आप दोनों को छोड़ के आऊंगा। देखता हूं आपको अंदर आने से कौन रुकता है। आप उस घर के लड़के हैं, आपका हक बनता है, चलिए आप। कहीं नहीं जाएंगे ये। बहुजी कैसी बात कर रहे हैं आप? शादी के बाद दामाद को घर में रखेंगे तो उनके आत्मसम्मान को चोट नहीं लगेगी? आप देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, हम होटल में रहेंगे। चलो आरुष। बेटा तुम किसकी बात सुन रहे हो? ये मेरा घर है, यहां फैसले मैं करता हूं। बेटा मैं आरुषी का नहीं तुम्हारा भी दादा हूं। तुम दोनों यहीं रहोगे जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। रही बात सम्मान की, तो तुम्हारा मान मेरा मान है। मैं वादा करता हूं इस घर में हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचे। बेटा ये सब सोचना अब जरूरी नहीं है, अंदर आओ, फ्रेश होकर आराम करो, बहुत थके हुए लग रहे हो। चलिए ना जीजू। चलो जाओ बेटा। सुन, मैंने जो पैसे दिए थे शादी के लिए, उसमें से जो पैसे बचे हैं उससे विहान के लिए टूथपेस्ट, शेविंग किट और कुछ कपड़े लिया। मेरे पैसे से? हाँ। बाबूजी, दामाद जी के बटुए में पैसे होंगे, माताओं ने घर से निकाला है, बैंक अकाउंट से अलग नहीं किया। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड तो होंगे दामाद जी के पास। तू चाहता है या हरप्रीत, बस इस तरह तेरे बैठ के सोचने से सारी चीजें बदल तो नहीं जाएंगी ना? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ माँ, शायद विहान को रोक लेना चाहिए था। क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं माँ, पर रह रह के मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि सब में विहान की क्या गलती है? एक तरफ वो लड़की है और दूसरी तरफ हम सब, दोनों तरफ से विहान तो फंस गया ना माँ। कुछ ही सोर भी जाएगा, गलती होगा। माँ, जब मेरे पति ने संन्यास लिया था वो गलत थे, तब आप मेरे लिए खड़ी हुई थी, मुझे संभाला था आपने, मेरे पति के किए की सजा नहीं दी थी मुझे। ऐसे में आज उस अरुषि ने जो किया है उसकी सजा विहान को क्यों मिल रही है माँ? बोलिए। मैं अपनी हर बात की सफाई और फैसले दे चुकी हूँ, मुझे बार बार एक ही बात नहीं करनी है। माँ, आज मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। मुझे नहीं देना है। क्यों नहीं देना है आपको? क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब है नहीं आपके पास, इसलिए। माँ, इस बार आपकी निगरानी में जो हो रहा है वो गलत है, जरा सोच के देखिएगा। Oh,
15 रुपए बचे, पता इसमें तो दारू भी नहीं आएगी। अब इन पैसों से तेरा जीजू नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा। यहाँ बोल रहे हो ठीक है, घर के अंदर मत बोल देना। दादाजी ने सुन लिया ना तो ऐसी हालत करेंगे कि आप अलग खड़े होगे और आपकी चमड़ी अलग नाच रही होगी। डरा रहा मुझे है? अबे कभी तो काम की बात कर लिया कर मनुष। खैर छोड़, अब सुन, घर जा कर के जीजू के सामने ऐसे दिखना है जैसे कि हम भयंकर गरीबी में मरे जा रहे हैं। बहुत ही गरीब हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। हो सकता है कि कुछ माल हाथ लग जाए। कैसी बातें करते हो यार, पैसे वैसे है नहीं उनपे, फायदा क्या है? इसीलिए कहते हैं बच्चे की यारी गधे की सवारी, बड़े बुजुर्ग कह गए, समझ गया? अबे डेबिट क्रेडिट नाम की कोई चीज होती कि नहीं? शेर को पिंजरे में बंद कर भी दो ना तो उसके जो नखून होते हैं ना वो बहने ही रहते हैं। इसी तरह से रईस ज्यादा अगर घर भी छोड़ देगा ना तो भी उसके पास माल की कमी नहीं होगी, कुछ ना कुछ हम उसके पास से निकाल सकते हैं। इसलिए हमें बड़ी चालाकी समझदारी से लपेटना होगा उसको। आई बात समझ? समझ गया। चल विहान बेटा। माँ मैं नहा लूँ? असल में बाथरूम की छत थोड़ी कमजोर हो गई है, चो रही है, प्लास्टर भी उखड़ रहा है, ठीक कराने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोग तो पड़ोस में जाकर नहा आए हैं पर तुम। मुझे वक्त नहीं लगेगा, मैं बस 2 मिनट में निकल जाऊँ। नहीं नहीं बेटा, छत गिर विर गई तो मुसीबत आ जाएगी। तुम आंगन में नहा लो। कस्तूरी, दामाद जी को आंगन में नहलाओगी? अरे इतने बड़े घर का लड़का आंगन में नहाते अच्छा लगेगा? कोई लाज शर्म है कि नहीं? माँ लाइए, मैं आंगन में ही नहा लूंगा। विहान ये आरुषि, सॉरी मैं वो कपड़े देने आई थी। गिर गया। हाँ। तो आप मैं नहा लूं? हाँ। हारुषि। हाँ? वो तुम जरा यहाँ देखना प्लीज, यहाँ पे कोई आ ना जाए। मैं यहीं पर हूँ, तुम नहा लो। तेरा साथ पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है, ऐसा जीवन साथी नसीब वालों को ही मिलता है। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। जानती हूँ माँ, बस अब माए जल्द से जल्द विहान को घर वापस बुला ले। टूट गया है वो उनके बिना। मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द माओ को विहान से मिलवाना ही पड़ेगा। वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं माँ। बहू हूँ मैं उस घर की, और हर बहू का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने ससुराल को टूटने ना दे। कल मेरी दिन है, तू यहाँ होता तो
तेरे साथ मंदिर जाते, तुझे अपने हाथ के अच्छे अच्छे खाना खिलाते। तुझे बहुत प्यार करती बेटा, तुझे अपना तैमा का बिल्कुल याद नहीं आ रहा व्यू। भाभी, रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो रोऊंगी, तुम लोग स्ट्रांग हो तो रहो, मैं नहीं हूं। ना ही मुझे अपने बच्चा के बिना रहना है। मैं तो उसे फोन करूंगी और उसे यहां बुला लूंगी। उसे आना होता तो खुद आ जाता ना, और सबसे पहले तो हमें छोड़कर ही नहीं जाता। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीका से जानती हूँ, वो भी कल मेरे दिन का याद में बहुत रोएगा। माँ और बेटा का रिश्ता में सही गलत से भी ऊपर होती है प्यार, प्यार जो बेटा अपनी माँ से और माँ अपने बेटा से करता है। मैं तो फोन करूंगी और उसे बुला लूंगी। सही कहा आपने दीदी, हम तो माँ हैं। बेटे से भूल हो भी जाए तो माँ से भूल नहीं होनी चाहिए। फोन करते हैं। रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? ऐसे नहीं रह पाएंगे हम, आप लोगों जितनी स्ट्रांग नहीं है हम दोनों। विहार की बहुत याद आ रही है, बस एक बार पूछ तो लेके कैसा है वो। वो जैसा भी है हमें जानने की जरूरत नहीं है। उसने एक बार भी हमें फोन किया ये जानने के लिए कि हम कैसे हैं? किसके लिए आंसू बहा रही हो? आज उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी है। एक्सेप्ट कर लो ये बात, रो लो। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। सुना था कि बेटा माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है, संभालता है। विश्वास था कि हमारा व्यू भी ऐसा ही बेटा है, लेकिन गलत थी मैं। उसे हमारी कोई परवाह नहीं। एक लड़की के चक्कर में वो हमसे झूठ पे झूठ बोलता गया, धोखा देता गया, और ऐसे सफाई से बोलता गया कि हमें पता ही नहीं चला। अब तो खून खौलता है मेरा जब मैं उसके और आभूषी के बारे में सोचती हूं तो। दीदी बस शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? मजाक बना के रखा है उस लड़के ने हमारा। शर्म आती है मुझे कि उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। बस दीदी, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हरकीत, क्योंकि आज विहार ने वही किया जो परसों पहले उसके बाप ने किया था। मेरा पति मुझे और अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के चला गया था पैसों के लिए। और देखो ना, आज विहान अपनी सात माओ को छोड़ के गया है प्यार के लिए। बस अकेला आखिर खून खून ही होता है। इतनी कोशिश की कि विहान मेरे जैसा बने, अपने बुजदिल बाप जैसा नहीं। जाते जाते एक बार भी उसने नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। वैसा ही निकला। ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? दीदी, कभी माफ नहीं करूं, कभी नहीं करूंगी। दीदी
चाहिए अपने आप को। मैं तुम्हारा तकलीफ समझती हूँ, पर हमारा व्यू अपने पापा के जैसा बिल्कुल नहीं है नर्मदा। क्या सही है क्या गलत है वो हमको नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि हम अपने बेटा के बिना नहीं रह सकते। फूल लगाओ अपने, कर लो फोन। घर बुलाना है तो बुला भी लो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर विहान घर लौट के आएगा तो आप सब मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। दीदी जाइए, आप अपने फैसले पर अमल कीजिए, मैं अपने पे करूंगी। तुम ठीक हो बेटा? हाँ माँ। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देती हूँ। अरे मैं यहाँ सो जाऊंगा तो आप सब कहाँ सोएंगे? बेटा हमारी चिंता मत करो, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, हम सब लोग छत पर ही सो जाते हैं। आप यहाँ सोइए, मैं छत पे सो जाऊंगा। हेलो दामाद हो, थोड़ी सेवा करवा लो अपनी। ऊपर मच्छर होंगे और तुम्हें गर्मी लगेगी, यहीं सो जाओ। क्यों, मच्छर और गर्मी सिर्फ मेरे लिए है क्या? जब सारे घर वाले ऊपर सोएंगे तो उन्हें भी सेम प्रॉब्लम होगी ना? नहीं बाबा, तुम्हें आदत नहीं है ना इसलिए। आदत तो मुझे माओ के बिना रहने की भी नहीं। रह रहा हूं ना। बहुत बुरा लग रहा है, सिर्फ मेरी वजह से विहान अपनी माँ से दूर हो गया। नहीं बेटा, खुद को दोष मत दे, शायद जिंदगी को यही मंजूर था, बस इसे बुरा वक्त ही समझ ली। मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करती हूँ जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। विहान, तुमने तो कहा था एक दो दिन में माँ हमें बुला लेंगी, माफ कर देंगे। मेरी एक बात मानोगे? नहीं रह सकते तुम माओ के बिना। हालत देखो अपनी, तुम्हारी हालत उस पेड़ की तरह हो गई है जो कभी हरा भरा हुआ करता था, पर अचानक से जब उसकी जड़ें उसे छीन ली गई बिल्कुल कुमला गया है। तुम माओ के बिना नहीं रह पाओगे विहान, प्लीज घर वापस लौट जाओ, मेरी बात मानो विहान, प्लीज।
तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बिना वहां जाऊंगा? तुम्हारी खुशी इसी में है, हमारी माओं की खुशी इसी में है। और तुम्हारी? मेरी भी। रह पाओगी मेरे बिना? मैं जानता हूं कि मैं माओं के बगैर नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर टूट रहा हूं, घुटन हो रही है मुझे। लेकिन सच ये भी है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आरुषि, इसके बाद हमेशा अलग होने की बात मत करना। बिहान खाना, सोचा था शादी के बाद अपने सतरंगी ससुराल को खुशियों से भर दोगी। शादी ही मेरी ससुराल के दुखों का कारण बन गई। नहीं, मैं अपने ससुराल को टूटने नहीं दूंगी। बिहार जल्द ही अपनी माँ से मिलेगा, मुझे उस घर की बहू का दर्जा फिर से दिया जाएगा। मैं मेरी बिहान की आंखों में, मेरी माओ की आंखों में फिर कभी आंसू नहीं आने दूंगी। पता है मेरे बेटा चाय पी लो, ठंडी हो रही है। अरे 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 अरे, दामाद जी क्या ठंडी चाय पियेंगे? ना 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 ना, आप मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आपको अदरक वाली गरम गरम कड़क चाय पिलाता हूँ। चलिए 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 चलिए। नहीं बाबा जी, मूड नहीं है। अरे मूड ठीक करने के लिए तो बोल रहा हूँ, आप उठिए ना। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए। आप उठिए उठिए, तो उठिए उठिए आप उठिए। देखिए, हाँ हाँ बाबू जी, ध्यान रखूंगा। देखिए, हवा कभी कभी ना दवा का काम करती है। और मैं आपको बताऊं, हेलो, हाँ आप मीटिंग स्विच कर दीजिए। नहीं, विहान का पता नहीं है, नीलिमा आ रही है मीटिंग अटेंड करने। थैंक यू। तुम्हारी पूरी तैयारियां होगी ना बेटा? तुम्हें शायद दोनों मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी आज। जी माँ। वो विहान। विहान क्या? विहान अगर आया तो? तो मतलब एक कुलीग दूसरे कुलीग से किस तरह पेश आता है, क्या नहीं जानती तुम? वो इस बिजनेस का हिस्सा है, जिस तरह हम सब हैं। ऑफिस में जैसा ऑफिस का काम होता है वो निपटाओ और घर आओ। बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ अलग अलग होनी चाहिए। जी